और वही मॉडल जो हम लोग ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाया, आज वही मॉडल है जिसमें उत्तर प्रदेश ने कोरोना कालखंड में देश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। वही अनुभव अंतर विभागीय समन्वय, एक एक अलग अलग विभाग को उसके साथ जोड़ने का कार्य, और यूपी के मॉडल की इसीलिए सर्वत्र सराहना भी हुई है। फील्ड में रहकर जब हम काम करेंगे बहुत सारी व्यवहारिक जानकारियां हमें प्राप्त होती है। सार्वजनिक जीवन में याद रखना, व्यक्ति का धैर्य, शालीनता और उसका धैर्य हमेशा उसको आगे बढ़ाता है। उसका उतावलापन, उसका ठेके पट्टे के प्रति अनुराग, उसका हरेक मामले में हस्तक्षेप करना हमेशा उसके पतन की ओर लेके जाता है। हमने देखा है जितने उदंडता करने वाले लोग थे, संसद में ही मैं देखता था और विधानसभा में मैंने पिछली बार देखा, वो सब लुढ़कते चले गए। सबकी छुट्टी जनता जनार्दन करती गई, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ जिन लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जनता ने उनको हाथों हाथ लिया। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए? इनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं, इनके तो जाति का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। जन अपेक्षाओं पर कसना, अपने आप को कसना, अपने आप को तैयार करना और फिर उसके अनुरूप, जन भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं। आपने कोई प्रस्ताव दिया है कि एक ही बार में सब हो जाएगा, और आज तो इतनी योजनाएं हैं हर एक विधानसभा के लिए। यहां पे हमारे विपक्ष के जुड़े हुए तमाम मित्रगण हैं, मैं उनसे भी बोलूंगा कि विकास कार्यों में हमें राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर विकास कार्य आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, आपको उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। अब हाथों हाथ लीजिए उसको, आपको उन कार्यक्रमों में जाना चाहिए, जनता को लाभ हो। आपका उद्देश्य भी और हमारा उद्देश्य भी एक ही है कि जनता का हित होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अगर आप उन विकास की योजनाओं के साथ जुड़ करके जनता के बीच में जाते हैं तो उसका श्रेय तो आपको मिलना है, उसका श्रेय बीजेपी को या बीजेपी के सहयोगी दलों को थोड़े मिलना है, क्योंकि आपकी विधानसभा है, आप इस समय विधायक हैं, जनता ने आपको चुना है। अगर विकास के कार्य वहां हो रहे हैं तो उन कार्यक्रमों को अगर हम वहां बढ़ाने का कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके साथ जुड़ती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि वह न केवल तटस्थता बनाते हैं मंत्रियों से, बल्कि वह तटस्थता बना देते हैं विकास के कार्यों से भी, और फिर उनके सामने भी संकट खड़ा होता है जब चुनाव आते हैं, और चुनाव के दौरान फिर जो संकट खड़ा होता है वो सबके सामने है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक तो जनता के प्रति हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने के लिए अत्यंत संवेदनशील बनना पड़ेगा। ठेके पट्टे या किसी भी इस प्रकार के उससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग जो उत्तर प्रदेश में बदनामी का कारण था, इससे उतनी ही दूरी बनानी पड़ेगी। मेरिट के आधार पर कार्य हो, इसके बारे में अधिकाधिक जोर देने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी एक छवि को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मैं तो विधानसभा से कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा, यह हमारा प्रयास हो कि कम से कम एक या दो सदस्य विधानसभा में जो अच्छे हों। एक तो हम नए सदस्यों को बोलने का मौका जरूर दें। अक्सर क्या होता है, देखिए पिछली बार हमने 3 ऐसे सेशन चलाए थे इस विधानसभा के, जो अपने अपने देश के अंदर मॉडल बने थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर 36 घंटे तक सदन चला था। इसके पीछे चलाने का हेतु दो था, एक प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य हम सबके सामने दिया है, पूरे देश के सामने दिया है कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें क्या कुछ करना है, और उस चर्चा में मैंने देखा कुछ सदस्य ऐसे थे जो 36 घंटे तक सदन में बैठे रहे।
और उसमें से काफी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, जिनको हम सोचते थे कि इनको कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन जब डिबेट में उन्होंने अपनी बात को रखी, क्योंकि रात्रि को 2 बजे तक तो मैं भी सदन में था और रात्रि 2 बजे तक मैं उनके भाषण सुनता रहा, 5-5, 7-7 मिनट मिलता था, लेकिन क्या मजबूती के साथ कम शब्दों में किस प्रभावशाली तरीके से वे अपनी बात को सदन में रखते थे, या मुझे लगता अत्यंत अनुकरणीय उदाहरण था उस समय सदन के अंदर। मैंने देखा कितना पोटेंशियल है, कितनी ऊर्जा है, कितनी प्रतिभा है जनता के द्वारा चुने गए बातों पे। आवश्यक नहीं कि आपकी भाषा साहित्यिक हो, आवश्यक भी नहीं कि आपकी भाषा विशुद्ध व्याकरण युक्त हो, महत्वपूर्ण यह है कि विकास के प्रति आपकी सकारात्मक दृष्टि और आपका व्यावहारिक ज्ञान, क्योंकि आप जो कहेंगे वो व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, फील्ड में आप विजिट करेंगे उससे जुड़ी भी जानकारी हो। वो कोई साहित्यिक मंच नहीं कि हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग ही वहां पर करें, जो आपकी भाषा है अपनी भाषा में अपनी बात को वहां पर कहने की आदत हमारी होनी चाहिए, और हमारा प्रयास हो कि वर्ष में फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म हम तैयार करें कि 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ आदर्श विधायक हम चयनित करें, जो विधानसभा के किसी एक सत्र में फिर उनको सम्मानित करके एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, जरूर आगे बढ़ाया जाए कि भाई हर साल एक ही विधायक को न किया जाए, भाई एक को जब मिल गया तो 5 साल में फिर उसका नंबर ना आए, फिर 5 साल के बाद ही आए, लेकिन कुछ ऐसे सत्र होने चाहिए जैसे राज्यपाल का अभिभाषण। कौन कहता है कि हम राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण दे तो राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर हम चर्चा को देर रात्रि तक नहीं कर सकते, पूरी रात्रि भर चलाइए सदन को, भोजन की व्यवस्था हो, अधिक से अधिक सदस्य बैठे, कोरम हमेशा भरा हुआ हो, प्रोसीडिंग का हिस्सा उनकी बात को किया जाए, उनकी प्रोसीडिंग में पूरी बात उनकी आए, कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखना, ये चीजें अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी पहचान बनेगी, भाषण देने का एक अभ्यास आपका होगा जनता के सामने। देखिए हमारी ताकत जनता के प्रति, हम अपने संबोधन के माध्यम से ही सम्मोहन पैदा करते हैं और फिर वही सम्मोहन हमें वोट में बदलता है। अगर आप केवल चुपचाप खड़े होकर हाथ जोड़ के जा रहे हैं, एक बार वोट मिल जाएगा, दूसरी बात जनता पूछिएगी कि अरे आप कुछ बोलेंगे भी, तो बोलने की आदत का मंच बनना चाहिए विधानसभा और उसकी आदत डालने का एक अभ्यास, और फिर आदर्श विधायक के चयन की प्रक्रिया, फिर विधानसभा में हम जब विधानसभा की कोई पुस्तिका जारी करें तो उसमें आना चाहिए कि फलाने सत्र में यह हमारा आदर्श विधायक रहा है, यह हमारे आदर्श विधायक के रूप में इन इन लोगों ने वो किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर हमें कार्य करना होगा। दूसरा, मैं अक्सर एक बात देखता हूं, अभी 23 को माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण होगा नए विधानसभा का, लिए सत्र की शुरुआत राज्यपाल राज्यों में राज्यपाल जी के अभिभाषण से होती है और संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से होती है, फिर राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आएगा और उस पर चर्चा होगी। याद रखना अगर आप विधानसभा में हैं तो राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान, राज्यपाल जी के आने के पहले सभी मान्य सदस्य कम से कम 15 मिनट पहले अपनी सीट पर बैठ जाएं। उस दौरान शांति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुने, बहुत कुछ मेटीरियल उस अभिभाषण में आपको भाषण का मिलता हुआ दिखाई देगा, आपके पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी तो बाद में आएगी, लेकिन भाषण को चुपचाप अपना ईयरफोन लगाइए और पूरे अभिभाषण को सुनिए, अच्छी बातों पर ताली पीटिए और उसको पूरा समर्थन उस समय करिए, एक माहौल बदला हुआ दिखाई देगा आपको। दूसरा, राज्यपाल जी के आने के पहले या राष्ट्रपति जी के आने के पहले या कोई भी ऐसा महानुभाव जो हमारा अतिथि बन के आ रहा है हमारी विधानसभा में, वो केवल सत्ता पक्ष का अतिथि नहीं होता, जैसे कल लोकसभा के माननीय स्पीकर आए थे, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों वहां पर था, एक मैसेज देश के अंदर अच्छा गया। मैसेज क्या गया कि देखिए एक नवाचार के लिए, ई विधान के लिए
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के विकास में हम अपने राजनीतिक मतों से ऊपर उठकर के काम करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे, यह एक मैसेज था। बात छोटी है लेकिन मैसेज दूर तक जा रहा है, लाभ 25 करोड़ जनता के लिए जा रहा है। और भाइयों बहनों, उसका लाभ किसको मिल रहा है? हर एक सदस्य को मिल रहा है, सदस्य के प्रति। देखिए आज हमारी सबसे बड़ी कमी क्या हो गई, राजनेता अविश्वास और असम्मान का प्रतीक बन गया है। ये सदन है जो हमें विश्वास का प्रतीक बनाएगा। यहां की चर्चा, यहां की गंभीर चर्चा, यहां पर प्रभावी चर्चा हमें सम्मान का प्रतीक बनाएगी और उस प्रतीक के रूप में हमें उभरना है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। 6 जून को महामहिम राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक दुर्लभ अवसर आ रहा है जब राष्ट्रपति जी का महत्वपूर्ण उद्बोधन उत्तर प्रदेश विधानमंडल को प्राप्त होगा। राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के पहले सदन में उपस्थित हो जाना, कम से कम आधे घंटे पहले आ जाना। हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ आएंगे, राज्यपाल महोदय, मैं, स्पीकर महोदय, हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ ही आएंगे। लेकिन शेष सदस्य आधे घंटे पहले कम से कम अपनी सीट पर बैठ जाएं और अपनी सीट पर बैठ करके हम शालीनता के साथ अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर समवेत सदन को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन को, उनके भाषण को हम सुने, उनके मार्गदर्शन को लें। बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। एक चीज हम जरूर ध्यान में रखें, जब राज्यपाल जी का ही भाषण हो, जब राष्ट्रपति जी का ही भाषण हो या राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन सदन को प्राप्त हो या सदन की सामान्य रूटीन की प्रक्रिया भी हो, हम अपना मोबाइल फोन बंद करके रखेंगे। रखना भी चाहिए, ये बड़ी, यानी जब चर्चा के दौरान या राज्यपाल जी के भाषण के दौरान या राष्ट्रपति जी का जब वहां पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा और मोबाइल फोन की घंटी बजती है, बड़ी अशिष्टता नजर आती है बाहर।